अरे बहू, मेरी चाय ऊपर वाले कमरे में ही ले आना। मुझसे बार बार इस चिड़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती। हाय, इस घुटनों के दर्द से कब राहत मिलेगी पता नहीं। शिखा की सास ने उसे अपनी ऊपरी मंजिल वाले बेडरूम में बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई। शिखा साड़ी संभालते संभालते हुए सास को चाय देने गई ही थी कि अमन ने नीचे से कहा, शिखा मेरा नाश्ता लगाओ पहले, आज ऑफिस जल्दी निकलना है जी। आई कहते हुए शिखा ने फटाफट नीचे आकर पति के लिए टेबल पर नाश्ता लगाया। ससुर जी के भी मॉर्निंग वॉक से लौटने का वक्त हो चला था, तो उसने उनका नींबू पानी बनाकर बाहर लॉन में रखे टेबल पर रख दिया। वे लौटने के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर आते। सब काम कर सका अपनी चाय का मग लिए बैठी ही थी कि सासू माँ ने फिर से ऊपर से आवाज़ लगाई, बहू अखबार ले आना जरा और चाय भी बना देना एक कप, और अदरक जरा ज़्यादा डालना, इस बार चीनी की जगह सूंठ पाउडर ही डाल दूँ माँ जी। सास का ताना सुन शिखा ने मन ही मन पूछ डाला, पर प्रत्यक्ष रूप से दूसरी बार चाय बनाकर दे आई। शिखा की शादी हुए अभी लगभग एक ही महीना हुआ था कि सास ने अपने कमर दर्द, घुटनों के दर्द, डायबिटीज और न जाने कितनी बीमारियों का हवाला देकर घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी। बहू के आने के बाद अचानक ही उनकी सारी तकलीफें बढ़ जाती थीं। अब वह ऊपरी मंजिल वाली अपनी बेडरूम में आराम फरमाती और शिखा का पूरा दिन काम में कटता। हालांकि घर के कामों में शिखा को कोई दिक्कत नहीं हुई ना थी, पर दिन भर हर चीज़ सबके हाथों में थमाने से वह यकीनन थक जाती थी। खाने की मेज़ पर भी उसका सबके साथ खाना सास को पसंद नहीं था। पहले वह खाना लगाकर सबको बुलाने जाती और फिर बाजू में खड़े होकर सबका खाना ख़त्म होने तक उन्हें परोसती रहती। अपना खाना वह बाद में अकेले खाती थी। अगर इस बीच शिखा का कोई फ़ोन भी रिसीव कर ले और सास को अपने हाथों से खाना लेना या परोसना पड़ जाए, तो उसे सबकी तीखी निगाहों और तिरछी बातों का सामना करना पड़ता। इन सब बातों से शिखा को बहुत दुख पहुंचता, पर किसी से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि अमन भी उसके साथ ना होकर हमेशा अपनी माँ की साइड लेता था। शादी के 6 महीने बाद एक दिन शाम को सासू माँ की कुछ सहेलियाँ उनसे मिलने आई हुई थीं। उनकी अवभगत कर और 100 बार ऊपर नीचे कर शिखा इतनी थक गई थी कि अपने कमरे में बस थोड़ी देर लेटने से ही वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि अमन उसे जगा रहा है। उसे लगा शायद वह उसे खाना के लिए कह रहा हो, पर वह तो उन्हें खाना परोसने की
फरमाइश कर रहा था। सिखा ने उठकर बेमन से सबको खाना परोस दिया और खुद ही बिना खाए ही कमरे में आ गई। एक दिन भी सब अपने हाथों से खाना नहीं ले सकते थे। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही थी। उस रात वह सो नहीं पाई और उसने मन ही मन में फैसला कर लिया। दूसरे दिन जब सुबह सब उठे तो उसने सब के लिए सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद लॉन में योगा करने चली गई। ऊपर से आती सासू माँ की चाय की मांग को भी उसने अनदेखा कर दिया। गुस्से में आग बबूला होकर जब सास नीचे पहुंची तो उसने बड़ी सहजता से कहा, अरे माँ जी, आप तो कितनी स्फूर्ति से सीढ़ियाँ उतर कर आ गईं आज। अब हर सुबह ऐसे ही नीचे आ जाया कीजिएगा ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम सब साथ में नाश्ता भी कर लेंगे, है ना पापा जी। पीछे से आते ससुर जी बहू की बात सुनकर हैरान ज़रूर हुए पर सास बहू के बीच में कुछ ना कहना उन्होंने बेहतर समझा और अंदर जाकर टेबल पर रखा अपना नींबू पानी ले आए। अपने पति को हथियार डाले देख सासू माँ का पारा और चढ़ गया और उन्होंने ज़ोर से कहा, सिखा क्या करना है और क्या नहीं, ये तू मुझे मत सिखा। बहू को बहू की तरह रहो, समझी। माँ जी मैं तो समझ गई माँ जी, पर शायद आप नहीं समझी, मैं बहू हूँ आपकी, कोई अटेंडेंट नहीं। कि आप हमेशा मुझे कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती रहें, और ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जो मैं आप सबको हमेशा रूम सर्विस दूँ। हर रोज़ वेटर की तरह बाजू में खड़े होकर खाना परोसती रहूँ और बाद में सबकी जूठी प्लेटें उठाऊं। आपकी उम्र और पद का लिहाज ज़रूर करूंगी, लेकिन आपको भी मुझे बहू का सम्मान देना होगा, वरना कल से आपकी चाय आप खुद बना लेना। कहते हुए सिखा अपने कमरे में चली गई और सास ससुर एक दूसरे का मुँह ताकते रह गए। तो आपको क्या लगता है, सिखा ने जो किया वह सही है? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी पसंद आए तो मुझे फॉलो कीजिए और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।